भैया क्या ट्राई किया आपने यहाँ पे? आज तो मटन करी। मटन करी, वो पहले क्या ट्राई किया था? पहले आया था, पहली बार ही? नहीं नहीं, जिस दिन फर्स्ट डे ओपन हुआ था मैं तब से 2019 से आ रहा हूं। 2019 तब से आ रहे हो। पहले दिन क्या ट्राई किया था आपने? तब चिकन करी थी। चिकन करी थी, तब 60 रुपीज था प्राइस उसका। तो भैया टेस्ट मेंटेन कर रखा भैया ने कि नहीं? 100% है। मतलब अगर रिकमेंड करोगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को, बोलोगे एक बार ट्राई करने के लिए? बढ़िया 100% भैया, वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी है, मतलब जो पैसे ले रहे हैं उसकी वर्थ है। ऐसा नहीं है कि पैसे ले रहे हैं तो चीज बढ़िया नहीं खिला रहे, चीज प्योर दे रहे हैं और सफाई है और प्योर देसी की गई। थैंक यू भैया। भाई किवें लगे? चार साल तो आ रहे हो मेरे देते ही होगा, पूरी दिल्ली से कितने नहीं मिलता है इतना टेस्ट। आज मैं अपने कजन में भी नहीं आया, आज मैं भी अपने ब्रदर के नाल आए इधर। मैंने भी मैं पहली बार खाता है तो मैंने बहुत टेस्टी लग्या, लाजवाब हैगा इन्हों का टेस्ट। मैं कह रहा आके तुम भी इतने ट्राई करो, ठीक है? देसी घी के नाल बने हुए मटन चिकन ऑल वरायटी है इन्हों को। मैं कहूंगा एक बार मेरे कहने तुसी आके एक बार विजिट करो और खा के टेस्ट करके देखो। आपने क्या ट्राई किया भैया यहाँ पे? मैं इधर उन्हें मैं जो खादा है एक तो मटन करी खाधी है, ठीक है, और एक साग मीट लिता सीगा ते नाले असी अपने चिकन लेग लिता सीगा। तो तीनों का लाजवाब टेस्ट है, बाकी कबाब वगैरह नेक्स्ट टाइम जरूर टेस्ट करांगा मैं, और भी थोड़ी जोन जोन से आइटम आएगी इधर की। थैंक यू भाई। आपने ट्राई किया था भैया यहाँ पे? चिकन लेता था, मटन लेता ही, मजा आया। चंगी खाने से पहले चंगे की फेल आ गई भाजी, हाँ देख लो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली उन मटन लवर्स के लिए है जो कि मटन के आइटम्स जो है सर्दियों में खाना पसंद करते हैं। तो वीडियो का इंट्रो देखकर आप समझ गए होंगे हम कहाँ हैं। अगर आप नहीं समझे तो मैं बताता हूँ आपको कि आज जो हम आए हैं स्वैग पाजी पर, जो कि करोल बाग में है। इनका जो नाम है रावल पिंडी वाले सरदार जी के नाम से जो है फेमस है यहाँ पर, और 3 साल में ही पाजी ने इतना नाम कमाया है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग जो है ट्राई करने के लिए आते हैं इनकी मटन के आइटम को। और करोल बाग की जो आदि मार्केट है उनका लंच जो है यहीं पर होता है पंजाबी स्वैग पर, सरदार जी रावल पिंडी वाले पर, जो कि जो आइटम्स की प्रिपरेशन है वो देसी घी विरका में की जाती है। तो वीडियो का इंट्रो देखते देखते आपको भी आई होप भूख लग गई, क्योंकि गाइस मुझे तो शॉट लेते लेते काफ़ी भूख लग गई है और मुँह में से जो है पानी आ रहा है। तो आज हम करेंगे फ्रूट ब्लॉगिंग की प्रथा को चेंज, पहले हम करेंगे टेस्ट टेस्ट और बाद में लेंगे पाजी का इंट्रो। और इस वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेके आऊँगा, होप कि आपको पसंद आएगा। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे रेकमेंड कीजिएगा कि इसी स्टाइल में मुझे जो है आगे जो है शॉर्ट्स और वीडियोस इसी स्टाइल में बनानी चाहिए या पुराने वाले अंदाज में बनानी चाहिए। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे लिए आइटम जो है वो रेडी हो रही है।
ये जो आइटम है ये है साग मीट, साग कीमा मीट, और जो दूसरी आइटम हमारे लिए रेडी होगी वो है कीमा मीट, जो कि इनकी स्पेशलिटी है। और सीजनल में साग के आइटम जो है इनकी काफ़ी जो है ऑर्डर करते हैं यहाँ पे, और काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस है इसका। 130 रुपीज़ में आपको जो है साग मीट, और 130 रुपीज़ में ही आपको जो है कीमा मीट मिलता है यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप जो प्रिपरेशन है वो इसकी देसी घी में की जाती है, और जो एरोमा आ रहा है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो आपको यहाँ पर आके ही जो है लेना होगा। और टेस्ट करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ का स्वाद जो है कैसा लगा, क्या रियलिटी में जो फीडबैक है कस्टमर के वो ओवरहाइप तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो ओवरहाइप नहीं लगे। मैंने जैसे ही कस्टमर का फीडबैक लिया, जो कि स्टार्टिंग से आ रहे हैं वो अभी तक आ रहे हैं इनके पास, तो 3 साल में काफ़ी नाम कमाया है भाजी ने। तो यहाँ देख सकते हैं आप हमारी जो आइटम है वो रेडी हो चुकी है, ये है स्पेशल इनका कीमा मीट, और ये स्पेशल चाप वाला पीस है। देख सकते हैं रिचनेस कितनी है ग्रेवी के अंदर, और जो चंक्स है कीमा के वो भी भरपूर है। और ये साथ में हमारी जो है तंदूरी रोटी। तो मैं फर्स्ट बाइट लेता हूँ और आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है ग्रेवी का। तो काफ़ी रिच ग्रेवी ले रही है, एक ऑप्टिमाइज सी बाइट बनाते हैं ग्रेवी की। देखिए कितनी रिच ग्रेवी है, और मैं फर्स्ट बाइट लेता हूँ। लाजवाब, काफ़ी बेहतरीन टेस्ट है, मसाले जो है बिल्कुल बैलेंस है, और कुक करते टाइम भी ऊपर से कोई मसाला नहीं डाला गया, ऑलरेडी जो माइल्ड टेस्ट है वही भरपूर है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है मीट के साथ ट्राई करता हूँ इसे। मीट स्वाद है इसकी खासियत, आपको पता लगती है कि आपने जो है मीट को खाते खाते अपनी उंगलियां तक भर लें आप, तो ही आपको पता लगता है कि मीट जो है काफ़ी टेस्टी है। तो काफ़ी बेहतरीन टेस्ट है इसका, और जो रिचनेस है वो ग्रेवी की वो काफ़ी भरपूर है, और मसाले भी बिल्कुल बैलेंस है। और यहाँ हमारी जो साइकिल आइटम है वो लग चुकी है साग मीट, देख सकते हैं हम कितना जो है बेहतरीन लग रहा है दिखने में। और जो ग्रेवी की क्वांटिटी है वो भी सफिशेंट है, एक बंदा आराम से 2-3 जो है रोटी या लच्छा परांठा इसके साथ खा सकता है। तो यहाँ कीमा जो है मीट हमने पहले ट्राई किया, अभी सेकेंड आइटम जो है हमारी लच्छे परांठे के साथ, यह है साग मीट। देख सकते हैं हम कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में, तो उसको खा। तो गाइस यहाँ पे मैं लच्छे परांठे के साथ जो है साग मीट ट्राई कर रहा हूँ, और मैं फर्स्ट बाइट जो है लेता हूँ ग्रेवी के साथ। तो देखिए काफ़ी रिच ग्रेवी है, और जो रोगन आ रहा है ग्रेवी का वो अलग से ही आ रहा है। अब मैं पहली बाइट लेता हूँ ग्रेवी के साथ, बहुत ही बेहतरीन जो है स्वाद है इसका साग का, और जो इसमें जो फ्लेवर आ रहा है वो मीट का एनहेंस करके जो साग का टेस्ट है वो डबल हो गया। तो गाइस मेरी रिकमेंडेशन पे जरूर ट्राई कीजिएगा साग मीट, जो कि सीजनल ही अवेलेबल होता है यहाँ पे, काफ़ी बेहतरीन टेस्ट है इसका। और टुडे शॉर्ट आउट देते हैं, ये जो भाई साहब देख रहे हैं आप, इन्होंने मेरे लिए लच्छा परांठा लगाया बढ़िया सा, काफ़ी शर्मा रहे थे वीडियो में आते हुए, बट आज की इस वीडियो में हम हर उस बंदे को शॉर्ट आउट देंगे जिसने हमारे लिए जो है बढ़िया सा खाना प्रिपेयर किया है। तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है लच्छे परांठे का और साग मीट का। और ये आप नेक्स्ट आइटम देख सकते हैं, ये जो है इनका जो स्पेशल कीमा कुलचा है, ये टोपी वाले भाई साहब जो देख रहे हैं इन्होंने स्पेशल मेरे लिए बनाया, ये भी शर्मा रहे थे काफ़ी कैमरे में आते हुए। और जो लाल टी शर्ट में जो भैया थे उन्होंने मेरे लिए बेहतरीन प्याज काटा है, वो भी हरी चटनी के साथ। तो इन सभी को जो है शॉर्ट आउट देना बनता है, क्योंकि इन सभी की वजह से ही जो है इतना खाना जो है बढ़िया जो है ड्रेसिंग के साथ मेरे टेबल पर आया है। तो गाइस कीमा मसाला कुलचा जो है मैंने ट्राई किया पहले साग के साथ, काफ़ी बेहतरीन टेस्ट आ रहा है इसका, तो हम ट्राई करेंगे इसे कीमा मटन के साथ। जो कुलचा पूरा बिल्कुल भीगा हुआ है, डिप रखा है कीमे के साथ, तो काफ़ी बेहतरीन टेस्ट आ रहा है इसका। थोड़ा सॉकी है बट आई होप कि आपको जो है पसंद आएगा, क्योंकि जो मसाले हैं वो एक्यूरेट हैं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मसाले हैं तो आपको स्पाइसी लगेगा, और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। थैंक यू टोपे वाले भैया, आपने हमें इतना बेहतरीन जो है कुलचा मसाला खिलाया, उस साग के साथ मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ, काफ़ी बेहतरीन टेस्ट है। और पंजाबी स्वैग भाजी का एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ आपके जो जितने वर्कर हैं वो काफ़ी जो है एक स्माइलिंग फेस के साथ थे, ऐसा नहीं था कि ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं, बहुत ही उमदा जो है एक स्माइलिंग थी उनके फेस के ऊपर, और सभी जो है बेहतरीन तरह से लोगों को जो है खाना खिला रहे थे। तो गाइस पंजाबी स्वैग का खाना इतना लाजवाब है ना कि आप उंगलियाँ तक चाट के रह जाएंगे, जैसे मैं चाट गया उंगलियाँ तक, आई होप कि आप सेम आप भी करेंगे। तो अब चलते हैं पाजी के पास और पता करते हैं कि कैसे शुरुआत हुई। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ
मतलब कि एक यूनीक नाम रखना सी। फादर का जो बर्थ प्लेस हैगा वो पिछू जी उधर रावलपिंडी का हैगा, तो यदाश हैगी उन्होंने अपने पिंड की पिंड का नाम है रावलपिंडी, नाम रखा सरदार जी रावलपिंडी वाले। तो भाई उन्होंने कुकिंग का कोई शौक सी या मतलब ऐवें शुरू किया? नहीं, वो घर के अंदर जो भी कोई भी फंक्शन होता है कभी मीट बनाना है कुछ बनाते हैं मतलब खुद ही बना, उसी रेसिपी वो फिर अपने जी हैगी है बार लेके आए। तो भाई 2019 स्टार्टिंग की थी, 2019 पहले स्टार्टिंग की थी, फिर कोविड आ गया, उसके बाद दो तीन बार कोविड आया, फिर असी बंद भी की विचार, हूँ दोबारा असी शुरू की। उस टाइम भाई जब स्टार्ट किया तो मेन्यू आइटम की थी उस टाइम? मेरे को शुरू तो चिकन करी है, मटन करी है, साग मीट है, साग चिकन है, कीमा चिकन है, कीमा मटन है, कीमा चिकन कबाब है, कीमा मगज मतलब है मेरा। मतलब टोटल अगर वैरायटी कितनी है तो कितनी होनी है? 10-12 वैरायटी है? 8-10 वैरायटी हैगी है। 8-10 वैरायटी है। जी भाई गल की है हॉट सेलिंग दी, हॉट सेलिंग आइटम के थोड़े थे मतलब ज्यादा हॉट सेलिंग ते मेरे को कीमा मीट है और कीमा मगज है, साग मीट है, लेकिन जड़ी मेरी शुरुआत है की है होंदी चिकन करी तो जो 90 रुपए का एक पीस है, उसके बाद हैगी है मटन करी 110 रुपए का एक पीस है, फिर आ जाता कीमे की आइटम थोड़ी जी महंगी है 110 रुपए का एक पीस और कीमा चिकन का, 130 रुपए का एक पीस कीमा मटन का, फिर कीमा मगज है 200 का ऊपर है। भाई साग मटन का की है प्राइस? साग मटन मेरा 130 रुपए का है। ऐसे सीजनल आइटम है ना? सीजनल आइटम है ये, दिवाली तो लेकर रहती है होली तक रहती है। और भाई फ्यूचर प्लानिंग किया कुछ नया ऐड होएगा मेन्यू के अंदर? नया ऐड अंदर असी लोगों ने आज तक मेरे ख्याल नाल तरी वाला मीट बनाया था पहले, असी उसे बंद कर देता, तरी वाला मीट शुरू करेंगे, मतलब होम स्टाइल जो भी होता है तरी वाला मीट हो गया। तरी वाला भाई रिव्यू किए आ रहा है? मतलब दो ऑलमोस्ट 3 साल हो गए ना, 3 साल से किए रिव्यू आ रहा है? मतलब बड़े अच्छे, मतलब जिन्होंने मतलब टोटल नंबर 100-125 के अंदर भी अगर इंजॉय करने है मटन चिकन इंजॉय करना है वो भी मतलब एक रीजनेबल प्राइस पे अगर बंदे नु नॉनवेज ट्राई करना है रखा हुआ है, लेकिन टाइम दे सारों नु बतावांगे भी क्योंकि चीज़ा महंगी हो रही है, घ्यो महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, बतावांगे नहीं फिर क्वालिटी नहीं दे पावांगे। भाई मैं जिस लोकेशन तो आना ना उसे फेमस होता है गुलाटी का, तुझे ना सुने होना है गुलाटी? सुने मतलब थोड़ा मैं ट्राई किया टेस्ट, मतलब वो बराबर है टक्कर दे रहा है मेरा ना देसी घ्यो है। हाँ जी, वो भी सिर्फ वेरका पाते हैं, पंजाब का वेरका, उसके अलावा कोई और घ्यो नहीं कुछ नहीं करते, मतलब मेन जी USP है वो देसी घी से यूज कर लो। नाल दूसरा मेरा की है, मेरा सिंगल पीस की USP हैगी है, क्योंकि जब हर जगह जाओ उसे दो पीस की USP होती है, हूँ जिमें किसी से अगर 300 रुपये के दो पीस है ने तो एक बंदा नहीं खा सकता, ग्रेवी भी एक्स्ट्रा होती है, कि मैं सिंगल पीस तरह रखे हुआ है जिन्हें दो पीस इंजॉय कर रहे हैं दो भी करे दो ले लवे, वरना सिंगल पीस ही लवे दो तीन रोटियां खाए अपना इंजॉय करे, और मतलब ग्रेवी की क्वांटिटी फ्रेंडली, मतलब ग्रेवी की क्वांटिटी भी उतनी मिलेगी कि बंदा आराम खा सकता बंदा। दोबारा ग्रेवी लोगे तो मैं चार्ज कराऊंगा उसका, नहीं बंदा अगर दोबारा ऑर्डर करना है तो दोबारा भी ऑर्डर कर सकता है, मतलब ग्रेवी क्वांटिटी सफिशिएंट है, सफिशिएंट है एक बंदे से बहुत आराम से खा सकता है। भाई ऐसे टाइमिंग दसो सी किनवे तो किनवे तक हो जाऊंगा जी? मेरा दोपहर में 1 तो लेके 4:15 तक और शाम को 7 to 10:15 मैक्सिमम। कोई छुट्टी भी होती है भाई किसी मंगलवार कोई शीदा दी कोई दिन होते तो बंद कर दे, पर एक बार ये लोकेशन दसो भाई की लोकेशन है ना उधर भी सामने पहाड़गंज स्टेशन तो पहाड़गंज थाने तो सीधा रोड आ रही है, तेनू कहते हैं देशबंद गुप्ता रोड, मसाले मुसले कैसे एक्यूरेट है या बहुत ज्यादा है? एकदम होम स्टाइल है, एक्यूरेट है, रेगुलर भी खा सकते हो कोई दिक्कत नहीं। और प्राइस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिकल बेस्ट है, मतलब अगर बढ़िया चिकन खाना हो तो बंदा यहीं पे खा ले, बढ़िया आते हैं, रेगुलर आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। और साग मटन ट्राई किया आपने यहाँ पे? सही है, खाया हुआ बहुत बढ़िया। थैंक यू भैया टाइम।